एक तेरे से वन टॉपिक इन योर सिलेबस दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन हाउ वी कैन स्टोर द डेटा इन योर कंप्यूटर सिस्टम. देयर इज वन टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टैक. ठीक है, देयर इज आल्सो अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्यू. तो पहले तो हमें पता, आई थिंक आपके सिलेबस में सिर्फ स्टैक है, फिर मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा. ठीक है, दीज आर बेसिकली इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ लिस्ट. क्लियर? वी मस्ट नो व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ स्टैक. इन अ नॉर्मल लाइफ वी यूज दिस कंसेप्ट. व्हेन वी प्लेस फर्स्ट बुक एंड आफ्टर दैट सेकेंड बुक, थर्ड बुक एंड सो ऑन. तो आप सबसे पहले जो लास्ट में आपने बुक रखी है उस, जब आप उठाओगे सबसे पहले लास्ट वाली बुक उठाओगे, फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट, लाइक दिस. इन द सेम वे अगर आपने सीडीज रखी हुई है वन आफ्टर वन, तो जो लेटेस्ट सीडी रखी थी उसको पहले आप पिक करते, फिर सेकेंड एंड थर्ड. यहाँ पे बेटा कॉमर्स करके स्टूडेंट तो नहीं है ना? ठीक है, तो आपके पास इट मींस लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट. क्लियर? सपोज आई हैव वन स्टैक, वन लिस्ट एल. व्हेन आई विल इंसर्ट एलिमेंट फर्स्ट, देयर आर टू थिंग्स. एक बेटा यहाँ पे एक फ्रंट, इट इज नॉट अ कीवर्ड, ये इंडिकेट करता है कि हमारा लास्ट एलिमेंट कहाँ पे है. सपोज हमने फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 10, तो अकॉर्डिंग टू द लिस्ट इट्स पोजीशन इज 0. ठीक है, 0 पे फर्स्ट एलिमेंट होता है तो फ्रंट क्या हो जाएगा? 0. ये कंसेप्ट है सर. ठीक है, जब हम सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करेंगे 20, फ्रंट क्या हो गया? 1. ठीक है, देन फ्रंट एलिमेंट टॉप लेना है हमने सर. टॉप कीवर्ड नहीं है, मतलब एक वेरिएबल का नेम कह सकते हो, एक कंसेप्ट का. ठीक है, देन वी इंसर्ट 30, इट विल बी 2. देन इट इज 40, इट विल बी 3. इट इज 50, इट विल बी 4. व्हेन वी इंसर्ट द डेटा इट इज कॉल्ड पुश. Which means inserting element in the stack. Stack means list here. ठीक है? अब जब हम deletion करेंगे, deletion is from first, कौन सा delete होगा? 50. ठीक है? 50 delete हो गया. आपने यहाँ पे top किसके equal हो गया? Yes, top will be 3. फिर हम delete करेंगे तो कौन सा होगा? 40. It will be 2. लास्ट इन फर्स्ट आउट. इंसर्शन यहीं से करनी है, डिलीशन भी यहीं से करनी है. दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड विच वन? स्टैक. ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक इसकी दैट इज कॉल्ड क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फॉर एग्जाम्पल इन ए पेट्रोल पंप, इफ यू आर फिलिंग द पेट्रोल, जो लाइन में आएगा, जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट सर्विस मिलती है. तो उसमें क्या होता है? इंसर्शन एंड में होती है, डिलीशन कहां से होती है? बिगिनिंग से. पहले डिलीट 10 होगा, देन 20, देन 30, लाइक दिस. सो देयर आर टू कंसेप्ट, स्टैक एंड क्यू. स्टैक मींस लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, बट क्यू मींस यस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. Concept is clear? When we add the element in the stack, this is called push. And whenever we delete the element, it will be called pop. These are not keywords. This is only concept. It means whenever I will delete 40, which operation I am doing? Pop. And when I am inserting one element 50 here, so what I am doing here? Push. Clear? Pop and push. Another thing that is called peek.
ये बताओ कि इसमें लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 40, और उसका इंडेक्स कौन सा है, 3, दिस इज पी। ठीक है, लेटेस्ट एलिमेंट जो है बिल्कुल एंड में आपके पास, अगर हम डिलीट करेंगे तो पी को भी डिलीट करेंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पी। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। तो टॉप इज इंडिकेटिंग द इंडेक्स ऑफ करंट लेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, पी की जी वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एलिमेंट, पुश द फंक्शन टू इंसर्ट एलिमेंट इन द सेट, एंड पॉप इज अ कॉन्सेप्ट और ऑपरेशन टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द सेट। क्लियर हो गया? तो जब हमने इसके पेपर में प्रोग्राम आएंगे कि आपने कि दिस इज नॉट ए इन ए टर्म वन, इट इज ए टर्म टू, ठीक है, इन ए टर्म वन जो भी आपके अभी टर्म वन चल रहा है, तो जो भी टेस्ट आपके होंगे, आई विल टेक द टेस्ट फ्रॉम टर्म वन सिलेबस, बट फॉर यस्टरडे आई डिस्कस की इन ए टर्म टू यू विल हैव वेरी वेरी लेस टाइम। रीजन इज सीबीएसई सेइंग आफ्टर 15 नवंबर योर एग्जाम विल बी देयर, इट मीन्स अगर वो 1 दिसंबर से होते हैं इन केस, तो इसका मतलब दिसंबर मंथ तो उसमें चला गया, एंड जैन एंड फेब 2 मंथ विल बी, एंड दैट इज अ थ्रेटिकल पेपर, मीन्स आपको और ज़्यादा उसमें प्रोग्राम वगैरह बनाने के लिए, तो कभी वी आर कवरिंग दिस, ठीक है, तो थोड़ा सा कवर कर लेंगे, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द रिवीजन वर्क। तो अब इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है, ठीक है, तो प्रोग्राम एट अ कंसेप्ट, आपके पास कोई भी कंसेप्ट लगा सकते हो, ये होना चाहिए डिलीशन एंड से होनी चाहिए, ठीक है, और इंसर्शन भी एंड में होनी चाहिए, इसलिए सब में प्रोग्राम बनाना है। तो आई एम ओपनिंग दी पाइथन, वन बाय वन वी विल डिस्कस की इसके कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसके बाद ही आपने कंटिन्यू करना है इसको। Okay, students, here I am taking one function def. You can do with or without function, this is your choice. पर मैं मॉड्यूल में बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉड्यूल में ये ब्लॉक इंसर्शन के लिए, ये ब्लॉक डिलीशन के लिए। Okay, student, if I am using push, पहले कंसेप्ट समझना, तो आई एम गोइंग टू इंसर्ट वन एलिमेंट, ठीक है, तो आई एम टेकिंग टू पैरामीटर, वन इज स्टैक, स्टैक क्या है, इट इज अ लिस्ट, जो लिस्ट हमारे पास हम बाद में इसको पैरामीटर पास करेंगे, लिस्ट है, दिस इज लिस्ट, दिस इज द आइटम, आइटम इज जो हमें एलिमेंट ऐड करना, ठीक है, जैसे बिगिनिंग में हमने 10 ऐड किया था, ठीक है, किसमें किया था, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज एस टी के, ठीक है, एंड दिस इज वेयर, दिस इज आइटम जो हमने ऐड कर दिया, तो हमने एक पैरामीटर रिसीव कर लिया, टू पैरामीटर्स। नाउ इफ वी वांट टू ऐड द एलिमेंट इन द लिस्ट, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड, यस हरी बेटा, अपेंड, ठीक है, अपेंड फंक्शन इज यूज्ड, देन एस टी के डॉट अपेंड, ठीक है, मैं आइटम जो भी हमने वैल्यू सीख ली। अब मुझे बताओ टॉप किसके इक्वल होगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ एस टी आर माइनस वन, वाई माइनस वन, 5 एलिमेंट इन दिस लिस्ट, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 4 होगा ना, ठीक है, ये कंसेप्ट दिस इज सर्विस प्लेयर, ओके, एनी डाउट इन दिस, दिस इज योर पुश ब्लॉक, अगर पेपर में आए सिर्फ पुश वाला बनाना, यहां तक बना देना बस, ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू डिलीट द एलिमेंट, यस इश्पनीत, सर सर आपकी आवाज काफी कम है, मतलब सर सुनने में दिक्कत काफी होती है सर, माइक नहीं है,
सर आपका माइक म्यूट है। मैंने ये कहा था कि वी विल टेक वन वेरिएबल टॉप और उसमें सेव होगा जो लेटेस्ट एलिमेंट का लोकेशन उसका एड्रेस। तो जैसे ये 0 1 2 3 है तो वहां पे 3, जैसे फर्स्ट एलिमेंट 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उसका फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास क्या है, टॉप लेंथ ऑफ str, वहां पे 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सपोज चलिए जहाँ पे हमने पुश फंक्शन कॉल किया, एसटी वेरिएबल नेम इज एसटीके। ये देखो बेटा, जब मैं इसको कॉल करूंगा, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है एसटीके, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं फंक्शन कॉल करूंगा पुश, उसमें एसटीके भेजूंगा, साथ में वेल्यू 10, वो 10 किस में ऐड हो जाएगा लिस्ट, ठीक, ओके क्लियर। और टॉप क्या हो जाएगा, 0। सो नेक्स्ट टाइम आई विल सेंड 20, तो पहले तो 10 है ही है, 20 और टॉप हो जाएगा 1। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है। नाउ Now, Ishpreet, voice is clear? हाँ जी सर, सर आप ठीक है। Okay, बेटा। Now, second is pop. ठीक है, अब pop क्या है? For deleting element, ठीक है? हम suppose हमने 5 times push function call किया, we added 5 element. Now we are going to delete them. तो deletion में हमने एक उसको भेज दिया stk, the list. Now, okay students, if I want to delete the element, which function is used? Pop. ठीक है, तो यहाँ पे I am following your book program. आप उससे different, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, book का program follow कर रहा हूँ, बाद में आपको separate simple program में बना के दिखा दूंगा, ठीक है। item is equal to stk dot pop. बेटा इसका फायदा क्या होगा कि हमने लास्ट एलिमेंट डिलीट हो गया, अगर मैं इसको आइटम आइटम में सेव ना करता तो इसने क्या करना था, एलिमेंट तो डिलीट करना था, हमें ये नहीं पता लगना था वैल्यू कौन सी डिलीट हुई है, उसको सेव करने के लिए कौन सी डिलीट की है। तो यहाँ पे अगर मैं 40 को डिलीट करूंगा तो आइटम में क्या आ जाएगा, 40। तो पॉप विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑलवेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अब इन केस, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इन केस आफ्टर डिलीटिंग stk की लेंथ 0 हो गई, इसका मतलब देयर इज नो एनी एलिमेंट, एलिमेंट है ही नहीं उसमें, ठीक है, एलिमेंट कोई भी नहीं है, इन दैट केस वी नो दैट इन टॉप इक्वल टू नन। बेटा इफ एनी, अगर हम इसको स्किप भी कर देते देयर इज नो एनी बिग प्रॉब्लम, बट वेन एवर इन वेरिएबल ऑलरेडी हमारे वेरिएबल में टॉप की वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू, उसको हमने नन कर दिया, मीन इसमें अब कोई वैल्यू नहीं रही, इट इज अ प्लान, क्लियर। तो प्रीवियस वैल्यू से हमने -1 नहीं किया, क्योंकि लेंथ उसमें है, डेटा ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इफ एनी वेरिएबल इज नॉट कैरिंग एनी वैल्यू इट इज नन, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्स, अगर वो 0 नहीं हुआ तो उसमें वैल्यू है ना, तो टॉप किसके इक्वल होगा,
length of STK. Yes, आगे minus one. Very good. Clear? Or if I want to return item, अगर मैंने करनी है, जरूरी नहीं यहाँ पे आप इसको छोड़ भी सकते हो, तो जो जहाँ पे कॉलिंग टाइम में अगर आपने जो वैल्यू डिलीट किया उसके बारे में उसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो मैंने आइटम को रिटर्न कर. एनी डाउट हियर? ठीक है, यहाँ पे एक और भी है कि इन केस पॉप के केस में अगर हमारे पास एलिमेंट ऑलरेडी एलिमेंट है ही नहीं, फिर आप डिलीट किसको कर रहे हो? लिस्ट में एलिमेंट ही नहीं है, तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? यूजलेस है. ठीक है, तो उस केस में हमने क्या किया यहां पे? इफ एसटीके डबल इक्वल टू, इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ? तो ऑलरेडी एम्प्टी है. ठीक है, तो उस केस में हमने रिटर्न करा दिया रिटर्न अंडरफ्लो. अंडरफ्लो इज ए सिचुएशन वेयर वी वांट टू डिलीट द डाटा बट डाटा इज नॉट देयर, तो आप डाटा डिलीट ही नहीं कर सकते, इट मींस इट इज अंडरफ्लो, डाटा ही नहीं है. तो एल्स में हमने क्या डाल दिया? एल्स बाकी हमने एल्स भी करेंगे सारा. ठीक है, तो एल्स में हमने उसके बाद एलिमेंट को कर दिया डिलीट, और डिलीट के बाद ये सारे पोर्शन बाकी इसका पार्ट. कंसेप्ट क्लियर? अब मैं इसको फिर से डिस्कस कर रहा हूं. इफ देयर इज नो एनी एलिमेंट इन द लिस्ट, इट मींस वी कांट डिलीट द एलिमेंट, सो वी रिटर्न द मैसेज अंडरफ्लो. ओके, If there is a element, तो हमने एलिमेंट को क्या कर दिया? एक एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद अगर उसकी लेंथ जीरो हो गई तो हमने टॉप किसके इक्वल कर दिया? नन. और अगर अभी भी एलिमेंट है उसमें, तो हमने टॉप को क्या कर दिया? लेंथ इज इक्वल टू माइनस वन, जितनी उसकी लेंथ है माइनस वन. दिस इज योर पॉप. ओके अविश, एनी डाउट हियर? ठीक है, क्लियर? अब हमारे पास है, तो इन एलिमेंट्स को आपने डिस्प्ले भी तो कराना है ना. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्प्ले दैट एलिमेंट. वी आर मेकिंग फंक्शन, वन फंक्शन, चलो जो क्लियर, दैट इज डिस्प्ले. वी आर यूज रिसीविंग वन पैरामीटर, दैट इज लिस्ट. तो अगर हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं है, तो लिस्ट को डिस्प्ले क्या कराओगे? तो इफ एसटीके डबल इक्वल टू, मैं थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया आपके बुक में से, क्योंकि कोई चीजें एक्स्ट्रा भी दी हुई है. तो अगर ऑलरेडी है तो यहां पे प्रिंट क्या करा दोगे? स्टैक एम्प्टी, खाली है. Stack empty है. Else, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, स्टैक हमेशा प्रीवियस पीछे से डिस्प्ले करते हैं. अगर हमें डिस्प्ले करनी ना, पहले 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10. ठीक है, नोट डाउन कि स्टैक हमेशा बैक से डिस्प्ले करना है. अगर लिस्ट को हमने डिस्प्ले करना है, तो बेटा मैं दो मेथड करा रहा हूँ, बुक वाला मेथड बाद में बताता हूँ. अगर हमने लिस्ट को रिवर्स में डिस्प्ले कराना है, तो कैसे कराते हैं? तो आपने क्या करना है, एसटीके, अभी ये नोट ना करना, ये बुक वालों ने दिया, वो मैं बाद में कराता हूँ. ये तो कॉलन कॉलन माइनस वन दे दोगे, तो ऐसे ही ऐसे डिस्प्ले कर देगा रिवर्स में. ठीक है, पर बुक ने ना लूप लगाया, तो हम लूप लगा के करते हैं. ठीक है, तो इसको रिवर्स में कर देना डिस्प्ले. तो
हम यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं लगाते, लूप लगाते हैं, ठीक है। पहले तो उन्होंने क्या कर दिया, टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस टी के माइनस वन, ठीक है। वो लूप स्टार्ट ए इन रेंज, ओके बेटा टेल मी जो टॉप टॉप से शुरू करना है आपने, देन कॉमा माइनस वन माइनस वन। बेटा इसका मीनिंग क्या है, हु विल टेल। हाँ अगर माइनस हमने जीरो लोकेशन तक आना है ना पीछे से, अगर हम यहाँ पे जीरो दे देते हैं उसने वन तक रहना था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जीरो तक, ठीक है। क्या डिस्प्ले करना है, प्रिंट एस टी के ए, ये इंडेक्स आ जाएगा ना बेटा, लास्ट एलिमेंट फिर सेकंड लास्ट फिर थर्ड लास्ट, उसके एलिमेंट को डिस्प्ले कर लिया, हो गया क्लियर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शंस हैं, वी विल हैव टू मेक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ना, तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं लूप ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, सी एच इज इक्वल टू वाई वाइल सी एच डबल इक्वल टू वाई, जितनी देर तक लूप वाई रहेगा लूप चलता रहेगा, ठीक है। प्रिंट किया, चलें जो समय लग रहा है बेटा, ठीक है। वन फॉर पुश, राधिका क्लियर। टू फॉर पॉप, थ्री फॉर इस प्रोग्राम में मैं कोई और भी चेंजेस करूंगा, क्योंकि आई हैव नॉट यूज हियर पीक फंक्शन, ठीक है। तो क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जब आपको क्लियर होगा ना, फिर उसमें थोड़े से और एडिशंस करूंगा, ठीक है। तो अब आफ्टर दैट वी विल टेक वन वेरिएबल चॉइस इंट इनपुट, एंटर योर चॉइस, यूजर विल एंटर वन टू और थ्री, ठीक है। एंड इफ चॉइस डबल इक्वल टू वन, अब यहाँ पे वन है तो हमने लिस्ट में आइटम ऐड करनी है, तो हमने इसको ग्लोबल वेरिएबल, हमने एक लिस्ट डिक्लेयर कर देनी है, आई एम टेकिंग योर स्टैक इक्वल टू, वहां पे एसटीके है ना, तो हमने क्या, ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है, तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कौन रिसीव करेगा, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वी विल सेंड, वी विल कॉल विच फंक्शन, पुश, और उस पुश के लिए हाउ मेनी पैरामीटर रिक्वायर्ड, टू, वन इज स्टैक, तो स्टैक तो हमने भेज दी लिस्ट, तो हमने भेज दी ये वाली लिस्ट होगी, ठीक है। सेकेंड इज आइटम, ठीक है। तो वी टेक वन वेरिएबल एक्स ले लो, कुछ भी ले सकते हो, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, यूजर वो जो भी वैल्यू इनपुट करानी है वो एंटर करेगा। अब हमने फंक्शन कॉल करना है, यस फंक्शन इज पुश, पुश में वी विल सेंड स्टैक, लिस्ट भेजेंगे साथ में एक्स भेजेंगे, क्लियर अविश, क्लियर हो गया। अब अगर चॉइस टू है, एलिफ चॉइस डबल इक्वल टू टू, तो वी आर गोइंग टू दी डिलीट द एलिमेंट, पर एक चीज याद रखनी है कि पॉप फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है, यहां तो हम यहीं पे करा लेते डिस्प्ले प्रिंट अंडरफ्लो, ठीक है, रिटर्न ना कराते तो कोई इश्यू नहीं था, पर अगर ये रिटर्न करा रहा है तो रिटर्न को कैच करने के लिए वी नीड वन वेरिएबल, फॉलो कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो इफ वी आर डिलीटिंग द एलिमेंट इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग,
we are taking one variable x is equal to pop, we are sending stk. तो वो ऊपर जाके इम्प्लीमेंटेशन होगी, यहाँ तो अंडरफ्लो आएगा या इनमें से कुछ जो एलिमेंट डिलीट करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये एस एस के टॉप नहीं नहीं मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. यहाँ पे ये ऐप आना चाहिए था if else, ये else इसके अंदर है. इसको भी टैग के अंदर लाना चाहिए सर, नीचे वाले लास्ट लाइन ये यहाँ पे आना चाहिए. हाँ, अदरवाइज वो दोनों में से एक रिटर्न होगा, अदरवाइज मल्टीपल वैल्यू रिटर्न होगी, एरर शो होगी. ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी. ठीक है, अंडरफ्लो कुछ भी होगा. इफ ये इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है. अगर आप x की वैल्यू क्या है, अंडरफ्लो, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा, आप ऊपर भी लिख सकते थे. ठीक है, कल मैं प्रोग्राम बनाऊंगा आपको भेजूंगा जिसमें मैं ऊपर ही सारा कुछ डिस्प्ले करा दूंगा, थोड़ा इजी हो जाएगा. इफ इट इज अंडरफ्लो, अगर उसने अंडरफ्लो रिटर्न किया है, ये देखो बेटा, इफ इट रिटर्न अंडरफ्लो, उसने अगर अंडरफ्लो रिटर्न कर दिया तो व्हाट मैसेज यू विल डिस्प्ले, प्रिंट print stack is already empty. So underflow, ठीक है, चलिए जो क्लियर की ना, ये वाला मैसेज अगर हम ऊपर ही डिस्प्ले कर देते तो हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, बट वी आर डूइंग, जो बुक ने किया ठीक है कर दिया. else, अच्छा else में हमारे पास जो रिटर्न आएगा वो कौन सा होगा क्षितिज, इट विल रिटर्न द वैल्यू जो हमने डिलीट की है. तो हमने प्रिंट कराना है, प्रिंट पॉप आइटम इज x, 10 डिलीट हुआ, 40 डिलीट हुआ, जो भी डिलीट हुआ. ठीक है, ये हम ऊपर भी लिख सकते थे, इसकी जगह सीधे लिख देते, प्रिंट द पॉप्ड वैल्यू इज आइटम. ठीक है, तो यू कैन सिंप्लीफाई, सो दैट्स व्हाई आई विल सेंड यू द सिंप्लीफाइड फॉर्म, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिंप्लीफाइड फॉर्म, यू कैन मेक इट कॉम्प्लेक्स, बन सकते. ठीक है, ये हो गया क्लियर. अब अगर हमने डिस्प्ले कराना है एलिफ चॉइस इक्वल टू 3, तो यू विल डिस्प्ले, तो उसके लिए हम फंक्शन कौन सा कॉल करेंगे, डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले फंक्शन में हाउ मेनी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड, ओनली वन एलिमेंट, दैट इज एसटी स्टैक. यहां मैंने एक मिस्टेक की है, स्टैक आना चाहिए था ना. ओके, एल्स में प्रिंट रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस मीन्स यूजर एंटर 4, 5, 6 रॉन्ग चॉइस, एंड एट द एंड वी विल पुट वन क्वेश्चन टू द यूजर, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, इफ यूजर प्रेस वाई तो लूप फिर से चलेगा. सी एच इज इक्वल टू इनपुट continue. ठीक है, करें बेटा इंप्लीमेंट इसको. सो आई एंटर 2 फर्स्ट, एलिमेंट तो है ही नहीं इसमें, स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, सो अंडरफ्लो. Do you want to continue? Yes. So I press 1. Enter the value 10. Continue. Yes. फिर से मैंने press किया 1. Enter the value 20. Yes.
अब हमने डिस्प्ले करना है, आई विल प्रेस 3, तो 2010, अगर लाइन नहीं चेंज करनी तो एंटर दे देना, ठीक है? यस, यहाँ पे एक और इजी वे था, जैसे ही पॉप हो या जैसे ही पुश हो तो आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लो उसी वक्त, ये भी हो सकता था. कैसे? देखो इधर बेटा, अगर हम यहाँ पे इसके अंदर ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेते, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा इजी हो जाता कि आफ्टर एवरी डिलीशन और एवरी इंसर्शन उसने डिस्प्ले करता था, पर वी मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड और इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे, पर इसमें यहां तक अगर कोई डाउट है डिस्कस. क्षितिज कोई डाउट तो नहीं बेटा? डिस्प्ले में हमने ना क्या किया था कि रिवर्स से डिस्प्ले करवाया, नहीं हमने उसके बाद टू एलिमेंट्स एडिट ना 10 एंड 20, तो डिस्प्ले में पहले 20 आया फिर 10 आया. उसका एक ही फीचर है, आगे से करनी हो तो सिंपल होता, 4 ए इन रेंज 0 कॉमा लेंथ ऑफ एसटीआर, तो उसने ऑलरेडी माइनस 1 से होना ही था. हाँ लोकली ये देखो ना कंडीशन, हमने ये वाली लगाई है, देखो हमने टॉप, आपकी बुक में पता क्या लिखा हुआ है, टॉप माइनस 1 लिखा हुआ बुक में, इसको करेक्ट कर लेना, टॉप इज अकेला टॉप आना, टॉप माइनस 1 नहीं आना, ठीक है? टॉप में तो ऑलरेडी हमने माइनस 1 किया ही हुआ है, ठीक है? ये मैं यहाँ पे ना इंप्लीमेंट करके फिर से दिखा देता हूँ. एंड ये देखो फर्स्ट अगर हमने डिलीट करते हैं, 2 प्रेस करते हैं तो स्टैक तो एम्प्टी है, कंटिन्यू करते हैं तो मैंने प्रेस किया 1, एंटर एलिमेंट 10, वाई अगेन 1, एंटर एलिमेंट 20, अगेन 1 एंड एंटर एलिमेंट 30, ठीक है? डिस्प्ले करने हैं 3 यहाँ पे. अब हाँ, अब अगर हम फिर से पॉप फंक्शन लगाते हैं तो 30 पहले डिलीट होना था, रहना था 20 10, हाँ 30 20, और डिलीशन करते 30, उसके बाद पॉप करते 30 पहले डिलीट होना था, फिर पॉप लगाते फिर 20 डिलीट होना था, फिर पॉप लगाते 10, और उसके बाद अगर डिलीट करते तो अंडरफ्लो वाला मैसेज आना. सो दिस इज यस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट बेटा? ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द मीटिंग. थैंक्स फॉर अटेंडिंग द मीटिंग बेटा.